सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों Xiaomi फ़ोन में जो है MIUI 11 आने के बाद बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। तो उसमें से एक फीचर ये है कि दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन में जो है Xiaomi के फ़ोन में कैलकुलेटर को जो है पॉपअप विंडो में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है कैलकुलेटर को ओपन करना है दोस्तों अपने Xiaomi फ़ोन में। उसके बाद अभी यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ भी यहाँ पर टाइप करके बताऊँगा, जैसे कि ये नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये जो एरो मार्क दिख रहा है फर्स्ट में, ये कैलकुलेटर के बाजू का, यहाँ पर इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप ईजिली जो है पॉपअप विंडो में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इस कैलकुलेटर को। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सेटिंग को जो है यूज़ करते हुए इस कैलकुलेटर का भी जो है यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप Xiaomi फ़ोन में जो है कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पर, ये जो डार्कनेस है इसकी, यहाँ पर आप फुल भी रख सकते हैं या फिर आप जो है इसको कम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है कम हो गया है। तो अगर आप इसको यहाँ पर पूरा फुल करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से आपको जो है डार्क मोड में दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप Xiaomi फ़ोन में कैलकुलेटर को पॉपअप विंडो में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।